सुबह की पहली चाय पीने के बाद मैं अपनी बालकनी से मौसम का जायजा ले ही रहा था कि तब तक मुझे याद आया कि सुल्तान ने शाम का खाना नहीं खाया था। उसका हाल खबर लेने के लिए मैं दूसरे घर में पहुंच के उसका टेम्परेचर देखता हूं, जो कि मुझे नॉर्मल लगता है। अब शायद इसकी डिवॉर्विंग का टाइम हो गया है। लगे हाथ में रेस्क्यू किए हुए कबूतर को भी देखता हूं। अभी शायद इसकी रिकवरी में और थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक मिनट, कली की आंखों में इतनी दरिंदगी क्यों? शायद ये मेरी गलती का इंतजार कर रही है। बाहर निकल के देखता हूँ, कुछ लोग श्यामा को देखने के लिए आए हैं, जिन्हें मैं श्यामा के बारे में बताने लगता हूँ। आज भाई जो श्यामा को देखने के लिए आई थी, ये दूसरे लोग थे, और उस दिन जो मैंने बताई थी वो दूसरे लोग थे, और वैसे तो भाई उन्हें पसंद आ गई है, सारा कुछ मैंने इसका बता दिया है, पापा से भी बातचीत उनकी हो गई है, तो अब शायद वो कल फिर आएंगे, और भाई कल कंफर्म होगा कि वो लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। वैसे भाई अभी तो ये बोल रहे थे कि वो लेके जाएंगे, उन्हें गाय पसंद है, और गाय भाई बहुत बढ़िया है, बहुत दूध देती है अच्छा खासा, और वही चीज है भाई उन्हें समझ में आ जाएगी तो है। श्यामा को उन्होंने चारों तरफ से घूम के देखा, बैठ के देखा, इधर से देखा, उधर से देखा। भाई जो भी गाय लेता है वो ये सारी चीजें तो करता ही है। खैर, क्यों भाई, गाय को वो अपने घर के लिए ले रहे हैं, और जो छोटा सा बच्चा था उनके साथ में, आपने वीडियो में देखा होगा, तो वो ही सारा कुछ करेगा गाय को। तो भाई दूने में तो भाई सीधी है, और मेरे यहाँ भी भाई कई लोगों ने दुई है। वैसे तो भाई गाय बढ़िया है, मतलब दूध दुआ लेती है, सारा कुछ करा लेती है, वैसे इसमें कोई कमी नहीं है। और ये भाई मेरे घर की बछिया है, मतलब मेरे गाय की बछिया है, मेरे घर पे ही तैयार हुई है, और मेरे घर पे ही इसने बच्चे दिए है। और अब क्या भाई, मैं अपनी जमुना को भी चेक करा दूंगा, ये कंफर्म हो जाएगी, फिर भाई पूरा फोकस इसी के ऊपर आ जाएगा। वैसे तो भाई मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि भाई इससे भी मैं हटाऊंगा, क्योंकि इसका आप सबको पता ही है प्रेगनेंसी का कितनी ज्यादा भाई मेहनत की है इसके ऊपर। वैसे मैं इसे रखना चाहता था भाई, सीधी है ये, सबसे ज्यादा सीधी है, बट भाई इसके साथ वही सीन आ जाता है ना प्रेगनेंसी वाला। वैसे तो भाई बढ़िया है गाय, और मेरा पूरा प्लान था इसे रखने का, बट भाई इसकी प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ा सा डर लगने लगा है, तो अब देखेंगे। खैर जब भी बच्चा देगी तब देखेंगे भाई क्या करना है, इसे रखना है या फिर भाई देना है। और इधर भाई कम्मो की भी ग्रोथ बहुत बढ़िया चल रही है, इसका साइज कितना बड़ा हो गया है पहले से। कम्मो को तो भाई ये चीज कंफर्म है कि मैं रखूंगा इसे मैं रखूंगा अपने पास लास्ट तक। ये भाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये भाई देसी मिक्स भी हो गई है, क्योंकि ये भाई गिरकी मिक्स है। देखो इसके सींग देखो आप किस तरीके से नीचे जा रही, कान देखो भाई, ये गिरकी मिक्स है, और देखते हैं भाई किस तरीके की गाय बनेगी ये लास्ट में आके। और इसे भी भाई गिर से ही कराऊंगा, ताकि इससे जो बच्चा हो उसकी भाई प्योरिटी और भी बढ़िया हो। और ये बच्चा देखें, ये बेचारा, इसके अच्छी चोट लग गई है भाई, पता नहीं कौन सी गाय का पैर रख गया है। इसे यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसे थोड़ी सी ठंडक लगेगी, और उस साइड इसे बाज उठा सकता है किसी भी टाइम, तो तुम यहीं पे बैठो ठीक है। फिर मैं निकल देता हूँ अपने बाग में, जहाँ मेरी आंखें उम्मीदों के साथ उन बड़े बड़े पेड़ों पे लटकते हुए आमों को देखना चाहती थी, जहाँ मुझे पत्तों के सिवा और कुछ नहीं दिखा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक आम जो कि जमीन पे पड़ा देखता हूँ। मैं फिर से एक उम्मीद के साथ पेड़ की तरफ देखता हूँ, जहाँ मुझे बड़े बड़े लटकते हुए आम दिखाई देते हैं। अब अपने बाग का पहला आम था तो खाना तो था ही, तभी मुझे दूसरे पेड़ पे कुछ और आम दिखते हैं। फिर मुझे याद आता है कि कुछ दिन पहले मैंने अपने मुर्गे की कब्र भी इसी बाग में बनाई है। अपने मुर्गे की कब्र पे पहुंचने के बाद मैं देखता हूँ, उसके पंख तो मुझे वहाँ पे दिखते हैं, पर उसकी डेड बॉडी का कहीं पर भी कुछ भी पता नहीं चलता है। अब हो सकता है कोई जानवर उसे खोद के ले गया हो, और उसने भी अपना चिकन डिनर किया हो। अब ये तो भाई क्रम है, ये तो ऐसे ही चलेगा, इसमें कौन हस्तक्षेप कर सकता है। भाई इस वाले पेड़ को मैं बहुत दिनों से आम का पेड़ समझ रहा था, बट ये भाई आम का पेड़ नहीं है, इसका ऐसे मुझे नाम नहीं पता है, बट ये भाई लोग लगाते हैं अपने घर के बाहर। बहुत बढ़िया पेड़ है छाई के लिए, और ये भाई आम का पेड़ समझते समझते इतना बड़ा हो गया, और पता नहीं भाई यहाँ पे कैसे आ गया, किसी ने मुझे लग रहा है लगा दिया यहाँ पे। अब मैं इसे यहाँ से निकालूंगा, और किसी ऐसी जगह पे लगाऊंगा जहाँ भाई इसका सही से यूज हो सके, क्योंकि भाई यहाँ तो ये आम के पेड़ के नीचे लगाए तो भाई इसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो भाई देखता हूँ कहाँ पे लगाना है, और फिर इसे भाई यहाँ से निकाल के वहीं पे लगा दूंगा। आज भाई दूसरा दिन और मॉर्निंग का टाइम, अभी मैं आया हूँ भाई टहलने के लिए। आज हो सकता है भाई श्यामा भी चली जाए, अब भाई पता चलेगा थोड़ी बहुत देर में कि वो लेने के लिए आते हैं या नहीं आते हैं। भाई जो यहाँ पे गाय रहती है ना, कल उन्होंने बहुत ज्यादा आतंक किया। किशन बता रहा था भाई कि कल वो एक मकान में घुस गई जिसके चारों तरफ तार बंधा था, भाई उन्होंने तार ही उखाड़ दिया, खंबे बम्बे सारे उखाड़ दिए, 50-60 गाय भाई मकान के अंदर घुस गई, बहुत ज्यादा नुकसान किया, मतलब बहुत ज्यादा। तो कल भाई गायों ने तार वार खंबे अम्बे सारा कुछ उखाड़ दिए, और आज वो सारी गाय भाई यहाँ पे है भी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई वो जो रात में मिशन पे निकली थी ना, अभी तक लौट के ही नहीं आई है, और ज्यादा लंबे एरिया में निकल गई है, ऐसा ही लग रहा है मुझे। ना ना ही है भाई, एक भी गाय नहीं है, और भाई वो कल ही वाले मिशन पे
अभी तक लौटी नहीं है, मतलब अपने अड्डे पे नहीं लौटी है, और अभी शायद उन्हें और भी टाइम लगेगा। पैसे यहाँ पे बैठती है ना? वो है मिशन पे ही है अभी। तो मेरे गांव की किसी की मका थी, उनका भाई अच्छा खासा इंतजाम था, खंबे बंधे थे, तार लगे थे, भाई खंबे उखाड़ दिए, तार तोड़ दिए। आपको तो भाई पता ही है कि 50-60 गाय जिस भी मका है, जिस भी फसल में घुसेंगी उसका भाई कितना नुकसान कर देंगी। चलो अभी तो मैं टहलने के लिए आया हूँ, थोड़ा सा वार्म अप वगैरह करता हूँ यहीं पे, क्योंकि अच्छी हवा लग रही है, अच्छा मैदान है, फिर उसके बाद चलते हैं घर। बस भाई एक चीज बोलूँ ना, जिसका भी नुकसान होता है ना भाई, बहुत ज्यादा दुख होता है। किसान क्या करता है, बहुत ज्यादा मेहनत से अपनी फसल तैयार करता है, सारा कुछ इंतजाम करता है, इतने इतने पैसे लगाता है, और फिर उसका लास्ट में आगे नुकसान हो जाए ना, तो भाई बहुत खराब लगता है, दिल से खराब लगता है। ये जो मका है ना, ये वे मौसम होती है और इसमें भाई बहुत अनावश्यक पानी लगता है, तो भाई इसके अंदर खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है। और हो सकता है भाई इसके रेट भी अच्छे मिलते हो, मेरे यहाँ तो नहीं होती है, बट लोग करते हैं तो इसका मतलब प्रॉफिट होता होगा। फाइनली यहाँ से अपना वर्कआउट होता है खत्म, थोड़ी बहुत रनिंग की है, बाकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की है, और बाकी तो जो पूरी रनिंग होती है ना वो मेरी शाम को होती है। शाम को क्या, फिर रात में ही होती है एक तरीके से, जब अंधेरा हो जाता है तब मैं जाता हूँ रोड पे, और बाकी सारी एक्सरसाइज वहाँ पे करता हूँ। तो अब चलते हैं जल्दी से, थोड़ा सा तेज वॉक करते हुए। भाई अभी मैं आया हूँ जस्ट मार्केट से, और अभी मैंने देखी एक बछिया काले रंग की, अभी भागती हुई आई है भाई इस साइड। है किसन कहाँ है, किन की है, जा छोड़ दिखा उन्हें। भाई ऐसा लग रहा है किसी ने छोड़ी है, बहुत छोटी सी है। ये देखो भाई, ये अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है भाई कि ये किसी की पालतू है या ऐसी छोड़ दी है किसी ने, किशन की बछिया के पास है। ये देखो भाई, ये अभी क्या है भाई, वो मेरे घर के आसपास ही घूम रही है। अब इसे मॉर्निंग तक इसके ऊपर नजर रखेंगे भाई, ये चीज कंफर्म हो जाएगी मॉर्निंग तक कि ये किसी की पालतू है या नहीं है। और भाई अगर किसी ने मॉर्निंग तक इसे नहीं पकड़ा यहाँ पे, और इस पे भाई नजर रखेंगे, और ये है भी भाई किशन की गायों के आसपास ही घूम रही है, भाई कल इसे पकड़ लेंगे भाई। या तो भाई किशन रख लेगा या फिर भाई मैं रख लूंगा। वो किशन की मका हो गई है कितनी बड़ी बड़ी, कल भाई इसका बहुत नुकसान किया। हो देखो सामने भाई पेड़ टूटे हुए हैं, अब वो पेड़ टूटे तो जाके नीचे भी देखो सामने, देख पाए तुमने, देखो ओरे तेरी, ये सारा नुकसान भाई जंगली सुअर ने किया है। और भाई बहुत सारे जंगली सुअर हैं यहाँ पे, और इसमें देखो भाई कितना नुकसान किया है जंगली सुअरों ने। ये देखो भाई, वो देखो भाई सामने बहुत सारे पेड़ टूटे हैं। थोड़ा सा कोशिश करते हैं अंदर चलने की। ओ तेरी भाई, ये देखो भाई बहुत ज्यादा नुकसान किया है यार। ये देखो भाई, ये सारे काम भाई जंगली सुअरों के हैं, और जो गांव वाली गाय है ना वो भी इसमें आती हैं। बट भाई ये सारा नुकसान जंगली सुअरों ने किया है। ये देखो इसकी भाई हड्डी गायब कर दी। ओ तेरी, इतना ऊंचे तक आ गया भाई जंगली सुअर। ये देखो भाई, ये देखो भाई बहुत ज्यादा रखवाली करनी पड़ती है मका की। ये देखो भाई, ये वाला पेड़ भी तोड़ दिया भाई, बहुत ज्यादा नुकसान है इसके अंदर, और अभी भी इसके अंदर जंगली सुअर हो सकते हैं। और जंगली सुअर भाई बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, किसी भी आदमी को मार सकता है बड़े आराम से, भाई बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं जंगली सुअर। तो अभी चलते हैं बाहर, क्योंकि भाई इसके अंदर लग रही है बहुत ज्यादा गर्मी। और ये देखो भाई, जब भाई बाहर की साइड इतना नुकसान है तो भाई अंदर की साइड क्या हाल क्या होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, मेरे एक तो नए वाले घर में काम चल रहा है, और दूसरा भाई सुल्तान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो सुल्तान के लिए भी भागना पड़ता है, और नए वाले घर में काम चल रहा है तो उसके लिए भाई काफी सारी चीजें चाहिए होती है, तो उसके लिए भी मुझे मार्केट भागना पड़ता है। तो भाई मेरा पूरा दिन इसी में चला जाता है। और भाई सुल्तान की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है भाई, उसकी प्रॉपर मेडिसिन वगैरह सारा कुछ चल रही है। भाई पता नहीं क्या बात है, एक ही दिन में भाई बहुत ज्यादा डाउन हो गया है वो। कल खाना उसने नहीं खाया था, परसों शाम से उसने खाना नहीं खाया है। अभी मैं फिर से मार्केट जा रहा हूँ भाई घर के काम के लिए, और वहाँ से थोड़ा बहुत चिकन लेके आऊंगा उसके लिए, और कोशिश करूंगा कि भाई वो चिकन खा ले। वैसे तो भाई उसकी एज भी हो गई है काफी ज्यादा, बट भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ये एक बार बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था, मतलब मरते मरते ही बचा है, और भाई उसी बीमारी की वजह से इसका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो गया है, कहीं ना कहीं वही चीज इसे हिट कर रही है फिर से। कितने पेड़े तक टूटे हुए हैं,
तो पेड़े भाई बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं जंगली सुअर। और जो भाई श्यामा को देख के गई थी ना, वो भी भाई आज नहीं आई है। वैसे तो मैंने ये सोचा था कि भाई वो जाएगी जब, तो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंदर, बट भाई वो आज तो आई नहीं है। देखते हैं, एक दो दिन का इंतजार करते हैं, अगर भाई आएंगे तो ठीक है, और नहीं आएंगे भाई तो भी ठीक है। चलो भाई फिर मिलते हैं आपसे।